सांबर ले लिया, वड़ा ले लिया। अरे व्हाइट वाली चटनी का नारियल की, इसके व्हाइट चटनी खाते हैं। हाँ, तो जब पेट निकलता है तो ऐसे बटन ऐसे खुल जाता है और पेट झांकता है बटन के बीच। अच्छा। सुबह सुबह उठते ही अगर आपको बारिश दिख जाए तो आपका आधा मूड तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। सो हेलो फैमिली, वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पति देव ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और मैं उठी तो मैंने देखा कि इतनी अच्छी बारिश हो रही है, मौसम इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि पति देव ऑफिस ही ना जाए और घर पे रुक जाए और हम सब कहीं घूमने चले आए। लेकिन खैर, काम भी जरूरी होता है तो मैं उनसे ऐसा भी कुछ नहीं कहने वाली। बारिश अच्छी तो बहुत लगती है, मजे तो बड़े आते हैं, लेकिन ये जो इतनी सारी कीचड़ आती है ना, ये बड़ी गंदी सी लगती है। और कुछ ज्यादा कीचड़ हो रखी है, मतलब कोई स्लिप भी कर सकता है यहाँ से, ऐसा लग रहा है मुझे तो। तो आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। सही बता। हाँ, बहुत ज्यादा। कसम का। कसम किसकी? हमारे प्यार की। भाई सच में, सही बता। सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो आज। बिल्कुल ब्लैक, मेरे को तो ब्लैक वैसे ही बड़ा पसंद है। और देखो कितने स्लिम, आप वैसे अपने आपको सोचते रहते हो कि मोटा हो रहा, मोटा हो रहा, इतने स्लिम। अभी हमारे फैमिली बताएगी कि आप कितने पतले हो, कोई मोटे नहीं लग रहे हैं। कमाल है वेस्ट कोट का, वो भी ऐसे वाले वेस्ट कोट का। ये मेरे एक दोस्त ने सलाह दी थी कि बीच वाले बटन का वेस्ट कोट नहीं पहनना। जब बीच वाले बटन का वेस्ट कोट पहनते हो तो आप ऐसे बैठते हो। हाँ। तो जब पेट निकलता है तो ऐसे बटन ऐसे खुल जाता है और पेट झांकता है बटन के बीच। अच्छा। यहाँ पर क्या है कि ऐसे वाला बटन जो है, मेरा दोस्त है अंकित, उसने सलाह दी, कह रहा ऐसे वाले भी हमने सिलवाने हैं। देखा ओके ओके भाई, मजबूर इंसान है, क्या करे, मेहनत करनी पड़ती है, रोटी कमानी पड़ती है, जाना पड़ता है। देखो हम टिफिन हाथ में लेके, मेरे को टिफिन दे दिया इसने और कह रही जाओ निकलो। चलो मैंने कहा जाओ निकलो, मेरे को बहुत सारे काम है आज। आते ही क्लासेस नहीं है आज, पीटी है, मैं क्लास टीचर नहीं हूँ ना इस बार, तो फिर आज मेरा फ्री है। अरे वाह, तो पीटीएम नहीं है तेरी? यार नहीं लेने तेरे को यार, सब्जेक्ट टीचर्स की नहीं ली ना आज, क्लास टीचर्स की रखी है। अरे मतलब तेरी छुट्टी आज? अरे क्या बात है, मजे आ गए तेरे। अगर मीटिंग नहीं हुई कोई तो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो कि मेरा नाम वॉलेट पड़ा है ना, उसके अंदर आधार कार्ड पड़ा है, आधार कार्ड लेकर। आधार कार्ड को चाहिए सब बता दो मेरे को, सब पता करना। अरे मेरे को क्यूरियोसिटी हो जाती है, बता दो। पहले ले जा दो, मान ली फ्लाइट की बुकिंग कर रहा है। हैं? मान ली फ्लाइट की बुकिंग कर रहा है। अरे स्टॉप करना तो। बेचारी परेशान हो गई कि आधार कार्ड मांगा क्यों। एक्चुअली क्या है ना, बीवियों को बड़ी ज्यादा टेंशन सी हो जाती है कि भाई ऐसा क्या कोई अनयूजुअल चीज कर दी ना, कि आधार कार्ड क्यों मांगा था। वैसे भी तो आधार कार्ड मतलब लेके नहीं जाता, मेरा वॉलेट घर पे रहता है, क्योंकि आजकल सब चीजें डिजिटल है। कहीं पेमेंट वेमेंट करनी होती है तो ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। और अगर बाई चांस जैसे आधार कार्ड टाइप जैसे डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये अगर जेब में रह गया और यहाँ फिर मैंने गाड़ी में कहीं रख दिया और इधर उधर हो गया, गुम गया, तो दिक्कत, फिर दोबारा बनवाओ। तो इसलिए सेफ जगह रखो, और आधार कार्ड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो मैंने फोन में रखी हुई है। तो मैं एक्चुअली मैं आधार कार्ड क्यों लेके जा रहा हूँ वो बता देता हूँ कि मेरा जो दूसरा फोन है और जो सिम कार्ड है, पता नहीं कुछ खराबी हो गई है, टेक्निकल एरर आ गया, उसमें नेटवर्क गायब हो गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टोर पे वो नेटवर्क ठीक कराने, जिसके लिए मुझे अपना ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए। मैं स्टोर पहुंच चुका हूं और स्टोर पहुंच के मैं चेक करा रहा हूं कि मेरे सिम कार्ड जो है वो खराब हो गए हैं, तो उसमें चेंजेस क्या क्या होंगे। कार्ड चेंज कराया हमने, अब हमारा ई सिम लग गया इसके अंदर। अब फिजिकल सिम की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं जरूरत, नहीं जरूरत। तो ये कैसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम सीधा इसमें नेटवर्क आ जाएगा? ये वर्चुअल सिम होती है आपको, जो कि सिम नहीं होगी, आपका आईएमआई नंबर पे ही काम करेगी। अच्छा, इसमें अपना ऑटोमेटिक नेटवर्क आ जाएंगे? ऑटोमेटिक नेटवर्क आ जाएंगे बिना सिम कार्ड के। जैसे रेगुलर सिम काम करती है, फिजिकल सिम ऐसे ही काम करती। बिना नेटवर्क के? बिना उसके सिम कार्ड के, बिना चिप के। बिना चिप के आ जाएगा? हाँ। चलो भाई थैंक यू, ओके। मीनाक्षी जो मेरी बीवी बेचारी परेशान थी, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आधार कार्ड मांगा था अपना सिम कार्ड चेंज कराने के लिए। मुझे लगा था सिम कार्ड खराब हो गया तो सिम कार्ड चेंज ही कर दूंगा। ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे भी नहीं पता थी कि आप जाओ अपने मोबाइल दो और अगर उसके अंदर ई सिम कंपैटिबल है तो आपको सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं है, सिम कार्ड चेंज कराने की भी जरूरत नहीं है, आपके डायरेक्टली नेटवर्क फोन पे आ जाएंगे। आईएमआई नंबर पे वो ट्रैक हो जाता है और पता नहीं कैसे उसने किया और मेरे फोन के अंदर नेटवर्क, कह रहा है अभी 2 से 4 घंटे के अंदर आ जाएंगे, विच इज सरप्राइजिंग यार। तो बढ़िया हो गया काम। Meanwhile, मम्मी आपकी सिंगिंग के वैसे बहुत लोग फैन हो गए हैं। अच्छा, अभी ना मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है बाहर और मम्मी पापा मेरा तीनों का ना बैठे बैठे प्लान बन गया कि आज हम बंगला साहिब जाते हैं गुरुद्वारे, तो हम गुरुद्वारे के लिए निकल रहे हैं।
पतिदेव तो जा चुके हैं ऑफिस, तो वो तो जा नहीं सकते, उनको तो वैसे भी बहुत मिस करूंगी। गुरुद्वारे हम पहुंच चुके हैं और मैंने सोचा कि मैं यहाँ से एक कड़ा ले लूं, तो अभी मैंने एक सिंपल सा एक कड़ा पसंद किया है। हाँ मम्मी ये सही है, सिंपल है, अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, हाँ ठीक लग रहा है आपका, साइज ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, साइज ठीक है बिल्कुल। ये गुरुद्वारे में फ्री दवा खाना है, मम्मी मुझे बता रही थी रीजनेबल रेट की है, रीजनेबल रेट की दवाइयाँ मिलती हैं। ये रीजनेबल रेट पे है, गुरुद्वारे की तरफ से उन्होंने वो कर रखा है। अच्छा, जो महंगी दवाइयाँ हैं आपको यहाँ पे सस्ती मिलेंगी दवाइयाँ। गुरुद्वारे में तो वैसे भी काफी मतलब सेवा के लिए बहुत माना जाता है लोगों को, है ना। इस वक्त बहुत तेज धूप निकला है एकदम से, लेकिन फिर भी इतना रश है यहाँ पर, लेकिन सब प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है लोगों ने। पापा भी प्रसाद लेने गए हैं यहाँ पे, पहले पर्ची कटेगी, उसके बाद आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप उतने का प्रसाद ले सकते हैं। कड़ा प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद मिलता है। कितने कितने श्रद्धा है? 11 करो, 21 करो, 31, 51, जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो। हम अभी अभी गुरुद्वारे से निकले हैं दर्शन करके। जब हम निकलने वाले थे तब मौसम बहुत अच्छा था, मौसम देख के हम निकले थे, और रास्ते में इतनी तेज धूप हो गई थी ना, लेकिन जैसे ही हम गुरुद्वारे पहुंचे फिर से बादल हो गए, बहुत अच्छा मौसम हो गया, है ना मम्मी? बहुत बढ़िया, भगवान ने सुन ली सच में। सोच रहे कैसे गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, बाहर की तरफ ओपन एरिया ना पूरा, और सरोवर का कैसे चक्कर लगाएंगे, धूप बहुत तेज होती है, लेकिन मजा आ गया बहुत। दर्शन तो कर लिया, लेकिन अब थोड़ा पेट पूजा का भी टाइम हो गया है। यहाँ पे ना बहुत फेमस वड़ा पाव मिलता है, पापा को बहुत मन था खाने का। वड़ा, डोसा, साउथ इंडियन, बहुत अच्छा साउथ इंडियन। तो अब बस हम पेट पूजा करेंगे और खाएंगे बड़ी वैरायटी। चलो मम्मी चलते हैं। मम्मी ले रही है पापड़ी चाट के मजे, और पापा ले रहे हैं बड़ा सांभर के। क्या मम्मी? बहुत टाइम बाद। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रश रहता है, अगर आप सीपी की साइड आते हैं तो आपको यहाँ पे जरूर आके खाना चाहिए, बहुत वैरायटी यहाँ पे। मम्मी पतिदेव आधार कार्ड को लेके गए थे, मैं तो जब से यही सोची जा रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं कह तो रहा था मैं बताऊंगा, फोन करना मैं बताऊंगा, बताया नहीं इसमें, कुछ बताया नहीं, और अभी ऑफिस से भी नहीं आए। प्लान कर रहे क्या कहीं जाने? मम्मी मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि पतिदेव क्यों आधार कार्ड लेके गए, और मेरे को ना बड़ी वो हो रही है, मतलब एक होती है ना मिक्स्ड फीलिंग, समझ नहीं आ रहा है। वैसे हो सकता हूँ मेरे को बाहर लेके जाने वाले हो, लेकिन बाहर अभी फ्लाइट्स बंद है, चली नहीं दिया शायद, फ्लाइट्स अभी चल तो नहीं रही ना, फ्लाइट तो पता नहीं कुछ कुछ की चल रही है, लेकिन आधार कार्ड अकेले का तो क्यों करेगा, हमारा भी तो चाहिए होगा। अकेले तो नहीं जा रहे, कहीं मेरे को छोड़ के हो सकता है, बाहर का कोई प्लान बन रहा हो। मेरे को पति दे की याद आएगी, पता नहीं अब कब तक आएंगे ऑफिस से, मेरे को बस वेट नहीं हो रहा है। अब जल्दी से आ जाए, मैं उनसे पूछूंगी अपना आधार कार्ड क्यों लिया। कुछ भी पति दे, पहले मैं आपको आने नहीं दूंगी, पहले मेरे को बताओ आधार कार्ड को लेके गए थे? आधार कार्ड को लेके गए थे? नहीं पर, अंदर तो आने दे, पहले मेरे को बताओ। क्या बताऊं? आधार कार्ड को लेके गए? नहीं बताओ, नहीं बताओ। क्या आपके लेके आई हूँ मैं बड़ा पाव? अरे वाह, बड़ा पाव है क्या वो? मजा आया। अरे मैं कंफ्यूज आती हूँ ना, साउथ इंडियन वाले व्लॉग में इसने बोला मलाई कोफ्ती, आज वाले मैं सांभर वड़े को बोल रही हूँ आपके लेकर बड़ा पाओ। अरे मुझे साउथ इंडियन ठीक है, तेरी आज की दवाई नहीं ली तूने? नहीं तो दिमाग वाली जो दवाई चली गई। अरे तबे तो मेरी ठीक है, अच्छा लेकिन चलो अब खा लो, लेकिन अब ये तो बताओ आधार कार्ड को लेके गए थे? बता दो ना, पहले खा दो। कैसे लगा? बढ़िया। अब बताओ, अब खाने को दे। सांबर ले लिया, वड़ा ले लिया। अरे व्हाइट वाली चटनी का, नारियल की, इसके साथ व्हाइट चटनी खाते हैं? गजब बेइज्जती। नारियल की चटनी नहीं खाई तूने कभी? अरे मैं साउथ इंडियन नहीं खाती ना, ज्यादा तुमको पता ही नहीं किसका व्हाइट चटनी देते हैं, किसका लाल चटनी देते हैं। तूने खाई नहीं दोपहर को पापा के साथ? नहीं मैं बड़ा, मैंने वो खाई थी मैगी, मैगी खाई थी तूने? मैगी मैंने मसाला मैगी। अरे कई लोग बिना सांबर के खाते हैं, सिर्फ चटनी लेते हैं। तो चटनी दे नहीं रही है मेरे को? दे रही ना, लेके तो आ रही हूँ। लेकर बड़ी चला के दिखाइयो, अब लेकर आइए असली चीज तो अब आइए। अरे इतने उससे आप खा रहे हो, देखो कर्ड लग गई आपकी दाढ़ी पे। बच्चों के खा रहे हो? ये तेरी चाल है ना, मुझे सब पता है तेरी चाल है, कि मैं तेरे को बता नहीं रहा आधार कार्ड क्यों लेके गया था। वही तो तभी कह रही हूँ बता दो। तू ये चीजें दिखा के क्या साबित करना चाहती है? मैं कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पूछना चाह रही हूँ कि आप आधार कार्ड क्यों लेके गए थे? मुझे क्या लग रहा है कि मैंने आधार कार्ड क्यों लिया होगा, मुझे क्या लग रहा है? पता नहीं, मेरे को तो लगा कि आप लेके जा रहे हो कहाँ, कहीं पे। तो तेरे को बता दूं मैंने आधार कार्ड क्यों लिया था? क्यों बताऊं? हाँ। तो मैंने आधार कार्ड इसलिए लिया था क्योंकि
जब ये तू लॉग देखेगी तब तक को पता लगेगा आधार कार्ड क्यों लिया था, इसलिए हंसते रहिए हंसते रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, इसी तरीके से प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्यार दिया। और जब ये ब्लॉग आएगा तब ये देखेगी कि मैंने आधार कार्ड क्यों लिया था। ओके गाइस, आई लव यू, बाय। जाने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए जल्दी जल्दी।